कृष्णा, मैं कृष्णसारिका सात्विक रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है तुरई का भरता। आप सोच रहे होंगे कि बैंगन का भरता सुना है, लेकिन ये तुरई भरता क्या होता है? तुरई का भरता एक गुजराती डिश है। जैसे सेव टमाटर सेव गाठिया की सब्जी बनती है, वैसे ही तुरई और गाठिया को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं तुरई का भरता। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं और पैन को गर्म कर लेते हैं। अब हम डालेंगे ऑयल। इसे ज्यादा हाई हीट पे नहीं रखना है, लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। तो अब हम डालेंगे तड़के के लिए सबसे पहले राई 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, क्रैकल हो रहा है ये। अब हम डालेंगे करी लीव्स, और हींग, यहाँ पर मैंने जिंजर चिली का पेस्ट लिया हुआ है। मसाले जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका पसंद है। मैं यहाँ पर जरा स्पाइसी बना रही हूँ। अभी हम ऐड करेंगे सिंग दाना, मैंने यहाँ पर ग्राइंड करके ले लिया है। अगर आप चाहें तो आप पूरा डाल सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को पूरा सिंग दाना पसंद होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्राइंड करके ले लिया हुआ है। इसे अच्छे से सोते कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर जो है नरम होने तक कुक करना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें ऑयल दोबारा डाल सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो, क्योंकि कई लोगों को ज़्यादा ऑयली पसंद होता है खाना। टमाटर को एकदम सॉफ्ट होने तक इसे कुक करना है और इसे चम्मच की मदद से दबाते जाना है। अगर आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी बना के भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एकदम बारीक काट के डाला हुआ है। जैसे ही ये कुक हो जाएगा, इसमें हम तुरई ऐड कर देंगे और साथ में गाठिया भी। अब हम इसमें तुरई ऐड कर देंगे, जो मैंने एकदम बारीक कटी हुई ली है। इसे एकदम सॉफ्ट होने तक कुक करते रहना है और चम्मच की मदद से इसे दबाते रहना है, क्योंकि इसका भरता बनाना है हमें। कि जब तक अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, कुक ना हो जाए, एकदम स्मैश ना हो जाए, तब तक इसका भरता नहीं बनेगा। अब हम इसमें गाठिया भी ऐड कर देते हैं। गाठिया मैंने रेडीमेड लिया हुआ है, जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तुरई और गाठिया जब तक सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक उसे चलाते रहना है कंटिन्यूस, तक ये जले नहीं। उसे चम्मच की मदद से, जैसे मैंने बताया, वैसे ही उसे दबाते रहना है, ताकि अच्छे से भरता बन जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा तुरई और गाठिया जो एकदम सॉफ्ट हो चुका है,
ये बनके एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले जैसे मैंने बताया आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका। तो अब हम डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली पेस्ट और जिंजर पेस्ट डाला हुआ था, तो हल्की सी लाल मिर्च में डालोगी यहाँ पर। ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाले से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और नमक स्वाद अनुसार। अब हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 4 मिनट तक कुक कर लेना है। भगवान को रोज अलग अलग व्यंजन बना के जब हम खिलाते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि रोज अलग अलग व्यंजन कैसे पॉसिबल है, जैसे कि आज हमने ये तुरई का भरता बनाया जो कि नॉर्मली सब लोग बैंगन का भरता सुनते हैं, तो वैसे ही आप कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तुरई की जगह पनीर है, पनीर की जगह सोया है, तो हर एक चीज़ का मतलब अलग अलग वैरायटी बन सकती है। हमारा जो भरता है वो बनके रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं कितना यमी और एकदम गाढ़ा बना ये। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया जो है हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, कई लोगों को काजू बहुत पसंद होते हैं तो हर सब्जी में डालते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा भरता जो बनके रेडी हो चुका है बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लेमन जूस ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसे, क्योंकि लेमन जूस को कभी भी गर्म चीजों में नहीं डाला जा सकता। इसे अच्छे से मिला लेना है। एक्चुअली लेमन जूस जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसलिए डाला हुआ है लेमन जूस क्योंकि उसका स्वाद जो है थोड़ा सा खट्टा मीठा लगे। बट याद रखिएगा लेमन जूस को कभी भी गर्म चीज़ों में नहीं डालना है, मतलब आप खाना पका रहे हो फ्लेम चालू है उसमें डाला तो ये एक पॉइजन की तरह काम करेगा। इसे ठंडा करके ही हमेशा डालना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारा टेस्टी डिलीशियस तुरई भरता बनके रेडी हो चुका है, तो आइए अब हम तुलसी पत्ता डाल के भगवान को भोग लगा देते हैं। तो देखा आपने हमने कितने इजीली तुरई का भरता बनाया। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ देखते रहिए सात्विक रसोई, क्योंकि जैसे खाए ज्ञान वैसे बनेगा मन। हरे कृष्णा। तुरई का भरता बनाने के लिए हमें चाहिए तेल 2 बड़े चम्मच, राई 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता 2 बड़े चम्मच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, अदरक मिर्च का पेस्ट 2 बड़े चम्मच, ग्राइंड किए हुए सिंगदाना 1/4 कप, कटे हुए टमाटर 1 कप, कटी हुई तुरई 1 कप, गाठिया 1/2 कप, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, काली मिरी पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर
एक छोटा चम्मच, गरम मसाला एक छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ता दो बड़े चम्मच, नींबू का रस एक बड़ा चम्मच। तुरई का भरता बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें, फिर उसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हींग और अदरक मिर्च का पेस्ट डालकर सौटे कर ले। फिर पीसा हुआ सिंगदाना, कटे हुए टमाटर, तुरई और गाठिया डालें और जब तक कि वे नरम ना बन जाए तब तक पकाते रहे। उसे स्मैश कर ले और मिलाते जाए ताकि वे जले नहीं। फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक डाले। सभी को अच्छे से मिला ले और मिलाते हुए 4 मिनट तक पकाए। फिर धनिया पत्ता डालकर मिला ले। गैस बंद करे और नींबू का रस मिलाए जब वे हल्का ठंडा हो जाए। अच्छे से सब्जियों को मिला ले। हमारा तुरई का भरता सर्व करने के लिए तैयार है।